खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। पतरातु भुरकुंडा के जेएम कॉलेज का मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है। खबर 365 न्यूज के माध्यम से दिखाई गई खबर को देखकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। यह बात को फोन द्वारा एबीवीपी के रोहित महतो ने मीडिया को जानकारी में बोला कि यह गलत तरीके से कॉलेज को चलाया जा रहा है, नौटंकी अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। इस मामले में मैं खुद मुद्दा उठाने वाला हूं, अभी मैं बाहर हूं। इस दौरान सोमवार के दिन भुरकुंडा में आने के बाद मामला को सामने लाने का कार्य करेंगे। उधर एबीवीपी के ओम कुमार सिंह ने बताया कि जेएम कॉलेज में माता सरस्वती की पूजा अर्चना को बंद करके और दूसरे प्रोग्राम को बढ़ावा दे रहे हैं। उसी मामले पर जुबली कॉलेज में बैठक करके मामले को मीडिया में लाने वाली बात कही। राजनीति के तहत जो कॉलेज परिसर में प्रोग्राम की गई है वह गलत है। एबीवीपी इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से उठाने के बाद कॉलेज में सुधार करने की मांग करेगा। जेएम कॉलेज के विरोध में बिशु कुमार सिंह राजपूत ने कहा कि जेएम कॉलेज अपनी सारी मर्यादाएं भूल चुका है, अनुशासन तो बची ही नहीं, यहां तक कि ड्रेस लागू किया गया था, कुछ ड्रेस पहनकर आते हैं, कोई बिना ड्रेस पहनकर आते, साथ ही बिना आईडी कार्ड के ही कॉलेज में आते हैं, यह एक गंभीर सवाल को जन्म देता है। खबर 365 न्यूज के लिए भुरकुंडा से गुड्डू पांडे की रिपोर्ट। जेएम कॉलेज में तो अनुशासन नाम का कोई चीज ही नहीं है। कॉलेज में पढ़ाई में कम ध्यान दिया जा रहा है, डांस प्रोग्राम और राजनीति में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे कॉलेज में पढ़ने आते हैं कि राजनीति करने आते हैं, पहले मेरे को ये बताया जाए। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ड्रेस कॉलेज में लागू किया था कि बिना ड्रेस के कोई बच्चा, इसमें से कुछ दिन ये नियम चला, वो भी नियम बंद हो गया। आधा बच्चा पहन के आ रहा, आधा बच्चा बिना ड्रेस के आ रहा, ये क्या नियम है? जब नियम है तो सबके लिए एक नियम होना चाहिए। जब ड्रेस पहनेगा तो हर कोई पहनेगा, तो क्यों आधा कोई पहनेगा, आधा क्यों नहीं पहन रहा? इसमें यह भी देखा गया कि कॉलेज में बाहर से लड़के लोग भी आ रहे हैं, बैठकी कर रहे हैं गेट के अंदर में, क्या नियम है? कॉलेज में यह चीज़ कब बंद होगा? कब बाहर के लड़के आने बंद होंगे? कॉलेज तो स्टूडेंट के लिए कि बाहरी लड़का के लिए बना हुआ है?